रहीम सलाम अलैकुम। मैं गज़ाल बेबानी आप तमाम बच्चों का इस्तेवाल करती हूँ आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है जस्ट फॉर किड्स। आज की जो कहानी है बच्चों वो अज़ीम शख्सियत के बारे में है जिनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है या फिर मैं यूँ कहूँ कि वो इंसानियत के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है आज की जो कहानी है मेरे बच्चों या मैं यू कहूँ जो वाक़ है वो ये नहीं सिखाता कि हमें अच्छाई कैसा करना है बल्कि ये सिखाता है कि हर रिश्ते का फ़र्ज़ क्या होता है और कैसे हर रिश्ते को वो फ़र्ज़ निभाना है अपनी रिस्पॉन्सिबलिटीज़ निभाना है और किस तरह ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा के हम अपने रिश्ते को बचा सकते हैं आइए देखते हैं कौन है वो अजीम शख्सियत क्या है ये वाक्य और साथ ही साथ कैसे इस कहानी के ज़रिए हम अपने रिश्ते को बचा सकते हैं आइए देखते हैं सलामकुम वाले अब सब का इस्तबाल है जस्ट पॉकेट्स में मेरे बच्चों मुझे बताइए कि अपना नाम क्या है और साथ ही साथ ये बताइए कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कुछ शेयर करते होंगे आई एम श्योर sure. बताइए कि क्या शेयर करते हैं और आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होता है उनका चलिए बताइए आपका नाम और आप अपने पेरेंट्स के साथ क्या शेयर करते हैं मेरा नाम स्वास्थ्य नानजी है मैं अपने डैड से पूरे दिन में जो हुआ वो शेयर करती हूँ और उनका रिएक्शन अगर कुछ मैं गलत करती हूँ तो बताए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और सुधारते मुझे अच्छा तो आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं कि पूरे दिन में आपने क्या किया क्या हुआ आपके साथ स्कूल में फ्रेंड्स के साथ पूरा शेयर करते हैं रोज येस और उनका रिएक्शन अगर आपने गलत किया तो वो आपको डांटते हैं हाँ ठीक है फैरना आप बताइए मेरा नाम अलविया बतूल है और मैं जो मैं स्कूल में जो करती हूँ वो शेयर करती हूँ पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स के साथ शेयर करती हूँ मॉम डैड मम्मी के साथ ज्यादा मम्मी के साथ, साथ ज्यादा <laughs> उनका रिएक्शन क्या होता है जब वो जानती हैं सुनती है आपकी या आप बोलती है मैं बहुत बिजी बुजीं कभी कभी सुनते हैं और कभी कभी कहते हैं कि मुझे बहुत काम है मुझे बहुत काम है कभी कभी सुनते हैं सुकून से इतमान से यार कभी कभी कहते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ अक्सर होता है मम्मीज़ सुन नहीं पाती उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी होती हैं कि वो कहती हैं कि अभी नहीं बेटा बाद में और बाद में कभी आता ही नहीं है फेर इनाफ आई एम वेरी हैप्पी दैट योर ऑनेस्ट आप बताइए मेरा नाम सैदा हिमानी है मैं अपनी मॉम के साथ और डैड के साथ सारी सीक्रेट्स शेयर करती हूँ जो मैं कभी किसी को बताती नहीं हूँ और उनका रिएक्शन ऐसा होता है उनका रिएक्शन ये होता है कि वो हमेशा कहती है कि ऐसे मतलब अगर आप कुछ गलत करती हैं तो हाँ अगर अगर मैं कुछ गलत करती हूँ तो वो हमें मुझे सही करती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहिए ठीक है और सुनती है इतने नाम से सुनती हैं आपकी बात यस yes. ओके okay. और कोई आप बताइए आपका नाम मेरा नाम जहैर अली जवानी है मैं अपने मॉम डैड से मदरसा और स्कूल स्कूल के बातें शेयर करता हूँ अच्छा तो आप अपने मॉम और डैड से दोनों से शेयर करते हैं आपके सिर्फ मॉम से मॉम से मॉम से शेयर करते हैं आज मदरसे में ये हुआ ये पढ़ाया गया आपकी मम्मी सुनती है कि क्या क्या पढ़ाया yes. यस पूछती हैं आपकी मम्मी आपसे क्या आज क्या पढ़ा मदरसे में यस yes. पूछती वेरी गुड आप बताइए मेरा नाम सैयद मोहम्मद जवाद है और मैं अपने पेरेंट्स से जो ज्यादा कराया गया है मतलब स्कूल्स में मदरसे में वो शेयर करता है फ्रेंड्स की बातें शेयर करते अपने पेरेंट्स से आप क्या पता है इसने ऐसा किया मेरे साथ फ्रेंड्स हाँ तो कभी 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 करते हैं चलो घर उनका रिएक्शन क्या होता है रिएक्शन होता है कभी कभी सुन लेते हैं और कभी कभी मतलब ऐसे बोलते हैं कि बाद में सुनेंगे ओके okay, ठीक आप बताइए मेरा नाम मेहदी जवादी है मैं अपने मॉम डैड से और स्कूल और मदरसा और जब नमाज पढ़ने जाता हो और मदलिस जो जो सुनता हो वो सब शेयर करता हूँ शेयर करते हैं आप अपने मॉम से ये yes. आपकी मॉम सुनती है इतमान से ये yes. चलो गुड मैंने देखा है कि बच्चे अक्सर बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं जो भी इनके साथ हुआ जो वाक़ हुआ कभी मदरसे में स्कूल में या फ्रेंड्स के साथ जो हुआ कभी कभी पेरेंट्स सुनते हैं कभी जो उनकी मॉम होती है सुनती है कभी कभी वो बहुत बिजी हो जाती है तो वो निगलेक्ट कर देती है या बोलती है बाद में सुनो बच्चों आज की जो कहानी है ना आज की ये कहानी सिर्फ आपके लिए नहीं है बल्कि वो तमाम मॉम्स के और डैड्स के लिए हैं जो अपने बच्चों की बात नहीं सुनते या जब वो शेयर करते हैं वो बहुत बिजी होते सिर्फ आपके लिए नहीं है सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि वो तमाम पेरेंट्स के लिए ये कहानी है और मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान से सुने एक बार इमाम हसन आसम जुम्मे की नमाज़ से वापस घर आ रहे थे अपनी माम से उनकी जो वालदा है बीबी फातमत ज़रा सल्लत उनसे उन्हों उन्होंने सब बयाँ किया कि आज रसोल खुदा सल्ह ने खुतबे में ये बयाँ किया ये बताई बात ये अच्छी बात बताई ये सब कहा सब जो भी खुतबे में उन्होंने सुना एग्जैक्टली रसोल ख़ुदा के टोन में उनके लहजे में वो अपने मम्मी को जान यानि कि बीबी फातिमत ज़रा सल्वात को बयान करने लगे सब चीज़ और वो अच्छे से सुनने लगी उनको ये नहीं है कि उनको पता नहीं था वो क्या कह रही बन उन्होंने एकदम इतमान से सब बात सुनी उसके बाद मौला अली सलाम घर आए घर पे तो बीबी फ़ातिमत तो ज़रा सलवात ने उन्होंने बताया कि आज खुतबे में मेरे बाबा ने ये, ये कहा था ये ये बात हुई थी ये ये खुतबा पढ़ा था और इसके बाद में जिक्र हुआ वो जिक्र हुआ ये जिक्र, मुझे सब पता है तो इमाम अली सलाम ने कहा कि आपको कैसे पता आप तो मस्जिद में नहीं थी तो फिर ये सब बातें ख़ुतबे में क्या हुआ आपको कैसे पता तो बीबी फ़ातिमात ज़रा सलवात ने कहा कि आपको पता है इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मुझसे ये बयान किया सब जो भी हुआ हू बहू वैसे ही बयान किया इमाम अली अलैहिस्सलाम बहुत खुश हो गए सुनकर कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हो बहू वैसे ही बयान किया इतने ध्यान से ख़ुतबे को सुना उन्होंने क्या कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि कैसे इमाम हसन अलैहिस्सलाम आपसे बयान करते हैं मैं भी सुनना चाहता हूँ अगली बार जब खुतबा ख़त्म हुआ जब मस्जिद में इमाम अली अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम गए जब खुतबा ख़त्म हुआ तो मौला अली आसाम पहले आ गए घर में इमाम अली अलीम पर्दे के पीछे छुप गए इमाम हसन अल्लाम जब आए घर पर उनको पता नहीं था कि इमाम अली पहले ही घर पर पहुँच गए जैसे ही वो आए हमेशा की तरह वो अपनी मम्मी से बया करने लगे कि खुदबे में क्या हो रहा था लेकिन इस बार उनकी जबान लड़खड़ा रही थी वो स्टाम कर रहे थे वो डर रहे थे बोलने को हिचकिचा रहे थे तो बीबी फातिमा तो ज़रा जया सल्वात ने कहा कि क्या हुआ तुम अटक क्यों रहे हो क्या हुआ बताते क्यों नहीं अच्छे से कहा मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कोई बड़ा मुझे सुन रहा है तो ये सुनकर इमाम अली सलाम पर्दे से बाहर आए और उन्हें चूमा बोसा दिया उन्हें गले लगा और कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने खुदबातने अच्छे से सुना हम अहलैत असलम की यही खासियत है हमारे हर बच्चे को पता होनी चाहिए छोटी सी छोटी चीज का ध्यान रखना चाहिए अब आप मुझे बताइए कि इस कहानी से आपने क्या सीखा इसमें एक नहीं बल्कि बहुत सारे सीख छुपे अगर आपने ध्यान से सुना हो तो बताइए हमें जब हम मस्जिद से आए तो हमें अपने पेरेंट्स से शेयर करना चाहिए कि मौलाना ने जो मजलिस पढ़ तो वो उन्हीं ने ऐसे ऐसे कहा अच्छा तो जो भी आपने मजलिस में सुना मदरसे में पढ़ा या स्कूल में पढ़ा स्कूल में भी आपने कुछ भी पढ़ा हो तो आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए इसलिए नहीं क्योंकि आपके पेरेंट्स को पता नहीं है ए बी सी डी या पता नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हैं बल्कि ये कि जब आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर दें वो रिलेशनशिप वो जो बॉन्ड है वो और स्ट्रॉग होती है और साथ ही साथ अपने दिमाग में आप याद करते जाते हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाती है एक से दो बार जब आप बात दोहराते हैं तो आपकी दिमाग में वो बात बैठ जाती है ये नहीं था कि बीबी फातम में तो ज़रा को पता नहीं है इस्लाम के बारे में ये नहीं था कि वो नहीं जानती उनको इलम ग़ैब है जितना मौला अली को था उतना बीबी फातम तो ज़रा सलवात लिहा का भी था उतना इमाम हसन सलाम को भी था तीनों को उतना ही इल्म था ऐसा नहीं था कि बी फ़ातमत तो ज़रा को पता नहीं था कि क्या खुतबा उन्होंने पढ़ा बल्कि वो इतमान से सुन रही थी और जो इमाम हसन सलाम है वो बता रहे थे वो जानते थे उनकी मम्मी को सब पता है लेकिन फिर भी वो बता रहे थे ताकि वो उनका जो रिलेशनशिप है वो जो बॉन्ड है वो और क्लोज आ जाए और साथ ही साथ उन्होंने जो सुना है वो उनको याद रहे हुँ? अब आप बताइए क्या सीखा आपने आप बताइए जब हमें कोई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बोलता है तो हमें उसे गौर से सुनना चाहिए जी इमाम अली सलाम ने जैसे कि कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि तुमने ख़ुतबा ग़ौर से सुना अक्सर आप देखते हैं कि चैनल वन पर खुतबा आता है एवरी फ्राइडे खुतबा आता है औरतें जा नहीं सकती मस्जिद में लेकिन घर पर बैठे खुतबा सुन सकती हैं वो खुतबे को ध्यान से सुनिए और अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए कि मम्मी ये भी हुआ मम्मी ने भी खुतबा सुना है लेकिन उसके बारे में डिस्कस कीजिए ताकि आपको याद रहे सिमिलरली स्कूल में आपके साथ जो हुआ वो भी चीज़ आप अपने पेरेंट्स के सामने दोहराते जाए ताकि आपको याद रहे और गौर से सुने इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि तुमने गौर से खुतबा सुना है तो हमें वो ध्यान से रखना है मदरसे में जो सुनते स्कूल में सुनते आप ध्यान से सुनिए और अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई बताइए हर पेरेंट्स को अपने बच्चे की बात गौर से सुनना चाहिए एब्सोल्युटली राइट आपका नाम जैन अली जैन अली बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने पकड़ा जैसे कि मैंने कहा था कि ये वाक्य सिर्फ मेरे बच्चों के लिए नहीं है बल्कि वो तमाम ऑडियंस के लिए हैं जो एक मम्मी और एक डैडी हैं कि पेरेंट्स को भी इतमान से अपने बच्चों को सुनना है जैसे कि मैंने कहा था नाजरी कि बच्चा अगर आपसे आकर कुछ शेयर करते हैं भले आपको वो चीज़ मालूम भले वो एक से दो बार आपके साथ वो शेयर कर रहे हो इतमान से सुन लीजिए इससे आपके रिश्ते की जो बॉन्ड है वो और स्ट्रांग होगी साथ ही साथ ये आपका फ़र्ज़ है या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने बच्चों को सुनिए कहीं ऐसा नहीं हो कि अगर आपने उनको निगलेक्ट कर दिया या कहा कि मैं बाद में सुनती हूँ कहीं ऐसा नहीं हो कि वो कहीं बाहर जाके शेयर करने लगे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बीबी फातम तो ज़रा सल्वातल आलै ने हमें ये सिखाया है कि आप इतमान से अपने बच्चे को सुनिए और हर बार सुनिए और साथ ही साथ मौला अली ने भी यही एग्जाम्पल हमें दिया है मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप घर पर अपने बच्चों को सुनिए पेरेंट्स मम्मी और डैडी दोनों सुनिए अपने बच्चों को जो भी वो कहना चाहते हैं रोज़ के दिन वेरी गुड जैसे कि आपने कहा कि अपने पेरेंट्स को भी सुनना चाहिए अपने बच्चों की बात उनको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए वेरी गुड और कोई हमें पहले अपनी मॉम से बोलना चाहिए फिर फ्रेंड्स से कुछ शेयर करना चाहिए पहले मम्मी से शेयर करना चाहिए जी हाँ एवरी थिंग एनी सीक्रेट या एनी दैट यू वॉन्ट टू शेयर जो भी आपको शेयर करना सीक्रेट हो अपने पेरेंट्स से पहले शेयर कीजिए क्योंकि वो है एक एक शख्सियत वो है जो आपकी सीक्रेट को कभी बाहर नहीं जाने देंगे ये आपको गारंटी है मैं गारंटी देती आपके पेरेंट्स आपके सीक्रेट कहीं नहीं जाने देंगे आपको अच्छी नसीहत देंगे जबकि आपके फ्रेंड्स हैं तो आपके। हो सकता है आई एम नॉट सेइंग एवरी ऑल फ्रेंड्स आर लाइक दैट हो सकता है आपके फ्रेंड्स कहीं और जाके बाहर बोल <coughs> कभी उनके साथ झगड़ा हो जाए वो झगड़े का लेकर वो शायद आपकी सीक्रेट बात रिवील कर दे वाई इससे अच्छा आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए इट्स मोर सिक्योर देर वेरी गुड स्वास्थ्य आप बताइए आप बताइए जवाब हमें जब भी हम कहीं से सुन कर रहे हैं तो हमें फ़ौर जाके बताना चाहिए जी हाँ जो भी आपने सुना मदरसे में स्कूल में आप फ़ौन अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए और अपने पेरेंट्स को बताइए ये कि देखिए ये जो अगर वो नहीं सुन रहे हैं आपकी बात तो ये आपका फ़र्ज है कि ये वाक्य आप उनको सुनाइए पता है आज हमने जेके में जस्ट फॉर किस में ये सुना था कि ये ये कहानियाँ बीबी फातिमा तो ने इतमिन से सुना था मौला अली ने सुना था आपको भी सुनना है प्लीज़ मेरी बात सुनिए आप इनको ये कहानी दोहराइए देखना अगली बार वो आपकी बात एकदम ध्यान से सुनेंगे वो आपको निगलेक्ट नहीं करेंगे ठीक है आप बताइए हमें सब चीज़ अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर चाहिए डेफिनेटली हर चीज़ अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए भले आउटसाइडर्स के साथ नहीं कीजिए पेरेंट्स के साथ आपको डेफिनेटली शेयर करना ठीक है उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको याद रहेगी और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स को भी आप जाके बताइए ये कहानी अगली बार वो ध्यान से आपकी बात सुने ठीक है उम्मीद करती हूँ नाजिन आज का यह वाक्य आपको बेहद पसंद आया होगा और साथ ही साथ मेरा ये मकसद था आप तक ये पहुँचाने का कि हर रिश्ते की एक रिस्पॉन्सबिलिटी है रिस्पांसिबिलिटी को निभाना बहुत जरूरी है ताकि रिश्ते बरकरार रहे मुझे दीजिए इजाज़त इनशाला अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी ऐसी वाक्य के साथ अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की और जहाँ मासूम करेगी हमारे बच्चों से कुछ इंटरेस्टिंग सवाल जवाब हाइए देखते डी डी ओ नो में क्या रहता आप सभी का इस्ते है हमारे सेगमेंट डी डी नो में जहाँ पर हमारे पास दो टीम्स मौजूद है तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे ये सवाल जवाब के सिलसिले का सो किट आई यू आल रेडी माशा आप सभी तैयार हैं। आपसे हम पहले इस्लामिक सवाल करेंगे एंड स्टार्ट विद गर्ल्स गर्ल्स आपके लिए हमारा पहला सवाल है कि जनाब सलमान फ़ारसी को किसने मिन्ना अहले बैत कहा था कि सलमानो मन्ना अहल बैत ये किसने कहा था सब जानते हैं जी सोसन आप बताइए रसूल खुदा वेरी गुड जनाब रसोल खुदा सल्ला वसलम ने यह कहा था कि सलमान मन्ना अहल बैत यानी कि सलमान हमारे अहल बैत में शामिल है जनाब सलमान फारसी कौन थे वैसे जी बताइए बतूल रसोल खुदा के कम्पानियन वेरी गुड राइट आंसर बॉयज़ आपसे हमारा अगला सवाल है आपको हमें बताना है कि इस्लाम का सबसे पहला मौजिन कौन है मौजिन मतलब क्या कोई बता सकता है जो देते। जी बताइए जैन अली जो आज़ाद देते हैं जी जो अजान देते हैं उन्हें मौजिन कहा जाता है और इस्लाम के सबसे पहले मौजिन कौन थे वो आपको हमें बताना है आप जानते हैं बताइए जनाब जी बिलाल राइट आंसर और कहाँ के रहने वाले थे बिलाल हबशी या, हबश के रहने वाले थे वेरी गुड नई नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गर्ल्स गर्ल्स आपको हमें बताना है कि सबसे पहली मस्जिद कहाँ बनाई गई आप बता सकती हैं सदा मदीना वेरी गुड मदीना में और मस्जिद का नाम जानती हैं जी जैनली बताइए मस्जिद-ए-कुबा वेरी गुड इट इज मस्जिद-ए-कुबा और इस मस्जिद की जो बुनियाद रखी थी वो खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी वेरी गुड जैनली नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर बॉयज बॉयज आप हमें बताइए कि इस्लाम की पहली शहीदा खातून का क्या नाम है जलालह सुमैया जी राइट right आंसर जनाबे सुमैया वो खातून हैं जो पहली शहीद हैं जिन्हें पहली शहीदा खातून का लकब मिला है ओके नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गर्ल्स गर्ल्स आप हमें बताइए कि इस्लाम की सबसे पहली जंग कौन सी है जी ज़ैनलिया बता सकते हैं जंग बद्र यस इट इज जंग बद्र और मुसलमान कितने दिन से जंग में शामिल आप जानते हैं नंबर ऑफ मुस्लिम्स नो देयर वर 313 मुस्लिम्स मुसलमान थे और जो अपोजिशन पार्टी थी जो जिनसे लड़ाई हो रही थी उनकी जंग में कितने लोग शामिल थे जानते हैं देवो वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टी अप्रोक्सीमेटली और मुसलमानों की तरफ से सिर्फ तीन सौ तेरह लोग थे ओके okay? yes. और कौन सी जंग थी वो जंग बद्र जो कि इस्लाम की पहली जंग है ओके okay? yes. ये आंसर हमें बॉयज़ से मिला है इसलिए जो बॉयज़ का क्वेश्चन है आई विल आज गर्ल्स गर्ल्स आपके लिए हमारा सवाल है कि इस्लाम में पहली नमाज जुमा कहाँ अदा की गई जी बताइए बतुल मदीना येस जो पहली नमाज जुमा अदा की गई थी कबीला बनी सलीम में जिसमें सौ अफराद थे ठीक है yes. यहाँ पे हमने इस्लामिक सवाल कर लिया अब बढ़ते हैं हमारे कौन से सवालों की तरफ यस yes. अब हम बढ़ते हैं हमारे जनरल नॉलेज क्वेश्चन की तरफ जनरल नॉलेज क्वेश्चन की शुरुआत हम करेंगे बॉयज़ आपके साथ आपके लिए हमारा पहला सवाल है इथोपिया इज़ अ कंट्री इन विच कॉन्टिनेंट इथोपिया जो कंट्री है वो किस कॉन्टिनेंट में इथोपिया नाम नहीं सुना है जी मतलब आप जानती हैं बताइए अफ्रीका यस yes. इथोपिया जो कंट्री है इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेशन ओल्डेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इट इज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका जैसे बतल आपने बताया वेरी गुड और आप लोग जानते हैं द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ कॉफी बीन्स इसी कंट्री को कहा जाता है कि जहाँ पर कॉफी बीन्स ओरिजिनेट हुई थी यानी कि सबसे पहली बार यहाँ पर ही देखी गई थी और इसका जो इथोपिया का जो फॉर्मर नेम है वो है इट टू फॉर्मली और इथोपिया द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका वेरी गुड बतूल क्वेश्चन इज फॉर गर्ल्स गर्ल्स आप हमें बताइए द सेवन प्लान फ्रॉम सन वो कौन सा प्लानट है विच इज काउंट फ्रॉम सन विच इज जी द सेवन प्लान सन इज यूरान

और ना सिर्फ इंग्लैंड बल्कि यूएसए का भी जो नेशनल फिलहाल है वो है रोज ओके वेरी गुड मेहदी मै नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गर्ल्स गर्ल्स अच्छा मुझे ये बताइए कि सबसे हाइस्ट माउंटेन कौन कॉन्सेप्ट माउंट एवरेस्ट येस द हाइस्ट माउंटेन इज माउंट एवरेस्ट बट दिस इज नॉट द क्वेश्चन द क्वेश्चन इज आफ्टर नेम माउंट एवरेस्ट किसके नाम पे माउंट एवरेस्ट रखा गया है सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया सर जॉर्ज एवरेस्ट जी सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है और ये नाम इनके ऑनर में रखा गया था इन द ईयर 1865 और आप लोग एक और इंटरेस्टिंग बात जानते हैं कि इनके नाम पर पार्क भी है और वो भी इंडिया में एवरेस्ट पार्क है वो है मसूरी में एक्चुअली वो पार्क जो है वो इनका घर था जिसमें इनका घर भी और लेबॉरेटरी भी है और उसे अब मसूरी में पार्क के नाम से जाना जाता है एवरेस्ट पार्क ओके yes. आपने से दस सही आंसर किया है वेरी गुड now my next question is for boys boys the ocean between america and europe is called there is an ocean between america and europe it is called what it is the second largest ocean this was the hint it is the second largest atlantic ocean atlantic ocean is the right answer atlantic ocean is between europe

इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंग्लैंड और सेकेंड लॉन्गेस्ट इन यू के वेरी गुड मेहदी अब दोनों टीम्स ने बखूबी से आंसर किए हैं लेकिन हमारी जो जूनियस टीम ऑफ द वीक है विनिंग टीम ऑफ द वीक है वो है गर्ल्स आप कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू यू आर मोस्ट वेलकम नाजर हमारा सेगमेंट यू नो आई अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड इंटरेस्टिंग सेगमेंट की और, और देखते हैं क्या है खास हमारे बच्चों के लिए हमारे सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स में बसमीम जी व्यूअर्सैक्कम तो आइए व्यूवर्स अब बढ़ते हैं जिस पॉकट्स के तीसरे मरहले सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स की तरफ पिछले चंद हफ्तों से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सेगमेंट में हम बच्चों को कुदरती आफत यानी नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में बताएं यही सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिज़ास्टर की जो कि पानी से जुड़ा हुआ है जी हाँ नाजिन वही पानी जो इंसान को जिंदगी बख्शता है जब ये किसी की जान लेने पर आए तो ये भारी तबाही भी मचा सकता है हम बात कर रहे हैं सैलाब यानी फ्लड्स की तो आइए देखते हैं कि स्टूडियो में मौजूद बच्चे फ्लड्स के बारे में क्या जानते हैं सोकेत सलामकुम सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि फ्लड्स क्यों आते हैं वो क्या रीजंस है जिनके वजह से फ्लड्स आ सकते हैं आप बताएं जवाब जब बारिश ज़्यादा हो जाती है वेरी गुड जवाब। जब बारिश ज़्यादा हो जाती है यानी कि हैवी रेन्स के वजह से भी फ्लड्स आते हैं और वो फ्लड्स जो ज़्यादातर हैवी रेन्स के वजह से आते हैं इन्हें फ्लैश फ्लड्स कहा जाता है इसके अलावा और कौन से रीज़न्स हैं जो फ्लड्स को ट्रिगर करते हैं बताएं जैनली क्योंकि पानी ज़्यादा हो जाता है वेरी गुड पानी ज़्यादा हो जाता है बारिश के वजह से या दूसरे वजूहत के वजह से जब सी का लेवल बढ़ जाता है रिवर्स का लेवल बढ़ जाता है इसके वजह से भी फ्लड्स आते हैं इसके अलावा और काफ़ी सारे वजूहत हैं जिसके वजह से फ्लड्स यानी सैलाब आते हैं और कोई बताना चाहेगा गर्ल्स में से आप बताएं सोशन ओशनिक प्रॉब्लम्स ओशनिक प्रॉब्लम यानी कि ओशन्स में जब कोई मसला होता है जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह होता है तो फ्लड सुनामी आते हैं इसके अलावा मेल्टिंग स्नो हरी इन तमाम चीज़ों की वजह से फ्लड्स आते हैं और जब फ्लड्स आते हैं तो इनकी वजह से सिर्फ जानी ही नहीं बल्कि बहुत ही भारी माली नुकसान भी होता है आप में से कोई जानना चाहेगा कि फ्लड्स के मायने क्या है और ये वर्ड हमें कहाँ से मिला yes. फ्लड्स के मायने होते हैं इसका मीनिंग है फ्लोइंग वाटर और फ्लोइंग रिवर और ये वर्ड हमें ओल्ड एशियन डिक्शनरी से मिला है जो कि पूरी तरह फ्लड्स यानी सैलाब से रिलेट करता है राइट right? यस yes. वो कौन सी कंट्री है जहाँ पे फ्लड्स सबसे ज़्यादा आते हैं आप ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ फ्लड्स सबसे ज़्यादा आते हैं फ्लड्स की जैसे कि हम बात कर रहे हैं सैलाब की तो ये सबसे ज़्यादा आते हैं एशियन कंट्रीज़ में जैसे कि इंडिया पाकिस्तान आप में से कोई और गैस करना चाहेगा कि वो कौन से मुल्क है जहाँ फ्लड्स हमें देखने मिलते हैं आप बताएं बतूल बांग्लादेश 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 को लैंड ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा फ्लड देखने मिलते हैं आप बताएं है सैदा इंडोनेशिया इंडोनेशिया इसके अलावा थाईलैंड चाइना वियतनाम और कम्बोडिया में भी फ्लड्स देखने मिलते हैं फ्लड्स का पानी जब दो फीट से ज़्यादा बढ़ जाता है और ये तेज़ रफ्तार से आते हैं तो ये इतने खतरनाक होते हैं कि ये अपने साथ साथ घर गाड़ी यहाँ तक के इंसानों को भी बहा ले जा सकते हैं और फ्लड्स के वक्त 66 सिक्स परसेंट डेथ्स उन लोगों की होती है जो या एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे होते हैं और ये ज़्यादातर अपने व्हीकल्स में होते हैं फ्लड्स के वजह से जब गाड़ियाँ रुक जाती है तो लोग ट्रैवल नहीं कर पाते और ये अपनी गाड़ियों में ही बैठना प्रेफर करते हैं जो कि ज़्यादा खतरनाक साबित होता है और यही सबसे बड़ी वजह बनती है कि फ्लड्स में इतने लोग अपनी जाने सफोकेशन की वजह से खो देते हैं दैट्स वेरी सैड मीन्स हमें फ़्लड्स के टाइम पे बाहर ट्रैवल नहीं करना चाहिए बिल्कुल ठीक हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर सैलाब आ रहा है या सैलाब आ चुका है तो हम घर पर ही रहें और हम ट्रैवल ना करें फ्लड्स की अगर हम हिस्ट्री पर नज़र डालें तो 1993 में जो मिसिसिपी रिवर में फ़्लड आया था इसके वजह से तकरीब पचास घर बह गए थे और काफ़ी ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए थे इतना ही नहीं यहाँ का जो फार्म लैंड था वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया था ये फ्लड इतना भारी था कि इसने अपने साथ हज़ारों लोगों की जाने ले ली ये तो हमने बात की दूसरी कंट्रीज़ की अगर हम नज़र डालें हमारे अपने मुल्क हिंदुस्तान पे और बात करें मुंबई की तो आप में से कोई बता सकता है कि मुंबई में सबसे खतरनाक फ्लड कब देखा गया था ये फ्लड मुंबई में आया था जिसे हम फास्टेस्ट मूविंग सिटी कहते हैं एक ऐसी सिटी एक ऐसी महानगरी जो कभी नहीं सोती ये फ्लड ने हमारी सिटी को तकरीबन चार दिनों के लिए हॉल्ट ले आया था तो से कोई जानता है ये कौन सा फ्लड था हम कब की बात कर रहे हैं बताए बतूल ट्वेंटी जुलाई ट्र... 2005। टू जुलाई 2005 को जो फ्लड आया था उसमें तकरीबन 1100 लोगों की जाने गई थी और ये एक ऐसा फ्लड था ये इतना खतरनाक था इसने इतनी तबाही मचाई थी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तकरीबन दो दिनों के लिए हॉलीडेज भी डिक्लेयर की थी और इन फ्लड्स की वजह से मुंबई की जानी मानी लाइफ लाइन यानी मुंबई की ट्रेन भी चंद रोज के लिए थम गई थी ओके yes. इसके अलावा अगर हम बात करें चाइना की तो चाइना में भी काफी सारे डेडलीस्ट फ्लड्स आपको देखने मिलेंगे और अगर हम बात करें उस सैलाब की जो चाइना में 1931 में आया था तो इस सैलाब की वजह से तकरीबन दो मिलियन लोगों की जाने गई थी इट्स सो सैड इट्स रियली वेरी सैड अब तक हमारे सेगमेंट में हम बात करते आए हैं कि अगर हम फ्लड्स की बात करें तो लोगों को ये खतरा नज़र आता है लेकिन अगर हम एनशियन सिविलाइजेशन पर नज़र डालें तो कुछ कंट्रीज ऐसी थी या कुछ सिविलाइजेशन ऐसे थे ह्यूमन सेटलमेंट्स ऐसे थे जो चाहते थे कि फ्लड्स आए ताकि इनका ये मानना था कि जब फ्लड्स आते हैं तो फ्लड्स की वजह से इनकी ज़मीन इनके सॉइल्स और भी फर्टाइल हो जाते हैं ये फ्लड्स अपने साथ साथ वो न्यूट्रिएंट्स लेके आते हैं जिसकी वजह से इनकी जो खेती है वो और भी अच्छी होगी क्या आप में से कोई जानता है वो कौन सी कंट्रीज़ की या हम कौन सेटलमेंट्स की बात कर रहे हैं तो हमें कौन सी कंट्री में देखने मिलती है इजिप्ट बिल्कुल ठीक यानी इजिप्ट के लोगों का ये मानना था कि जब फ्लड्स आते हैं तो ये अपने साथ साथ फर्टाइल सॉइल लेकर आते हैं इसके अलावा वो सिविलाइजेशन जो रिवर टिग्रिस के पास थे वो लोग भी यही सेम चीज़ मानते थे यहाँ तक कि हमारे अपने मुल्क हिंदुस्तान में भी गंगा के पास रहने वाले लोगों का ये मानना था कि फ्लड्स आना इनके लिए एक अच्छा साइन है इंटरेस्टिंग इसके अलावा अगर हम नज़र डालें फ्लड्स की वजह से हर साल कितने लोग अपनी जाने खोते हैं तो एक रिसर्च के मुताबिक रिवर फ्लड्स की वजह से तकरीबन हर साल 20 मिलियन लोग अपनी जाने खोते हैं और अगर हम रिसर्चर्स की माने तो इनका ये कहना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से योर टू तक ये फिगर्स बढ़ के तकरीबा फिफ्टी मिलियन हो जाएंगे क्या आप जानते हैं तो हमें ज़रूरत किस चीज़ की है हमें क्या करना चाहिए हाँ बोलो जवान हम लोग को पॉल्यूशन नहीं बढ़ाना चाहिए हमें पॉल्यूशन नहीं बढ़ाना चाहिए हमें हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि हमें जरूरत है कि हम ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वेदर चेंजेस हो रहे हैं इसे कंट्रोल कर सके वरना हमारे आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हो सकता है याद रहेगा आपको yes. व्यूवर्स हम उम्मीद करते हैं कि घर बैठे बच्चों के भी नॉलेज में काफी इजाफा हुआ होगा अगर आप चाहते हैं कि आपके प्यारे बच्चे बने हमारे प्रोग्राम का हिस्सा तो आप स्क्रीन पे दी पर दी गई डिटेल्स पर रबता कायम कर सकते हैं साथ ही साथ आपके फीडबैक्स आपकी राय हमारे लिए काफ़ी अहम है आप इन्हें लिख भेज सकते हैं विन इस्लाम एट द रेट ऑफ़ डॉट कॉम पर इसी के साथ टीम जसफो किट्स को दीजिए इजाजत पर बने रहिए चैनल विन के साथ पैगाम इंसानियत शुक्रिया